भजन क्या सोच रहे हो? अबे सोच नहीं रहा, प्लान बना रहा हूँ। प्लान? हाँ, अमीर बनने का प्लान। भाईजान पिछले 2 सालों से तुम अमीर बनने का प्लान बना रहे हो और हमेशा तुम्हारे प्लान की वजह से हमें कुट पड़ती है। अबे इस दफा पक्का प्लान है साले। भाईजान साला मत बोलना वरना 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 क्या कर लेगा? वरना मैं भी तुम्हें साला कह दूंगा। अबे तू तो खामा खाई माइंड करने लग जाता है, क्या जरूरत थी मेरी बहन से शादी करने की? तुमने पहले मेरी बाजी से शादी की थी। अच्छा तो जो मैं करूंगा वो तू करेगा? हाँ, बट्टे सट्टे में ऐसे ही होता है। शाबाश साले, इस दफा हम दुग्ध की हाउस में चोरी करेंगे। अब प्लान सुन, देख उनकी शादी भी वट्टे सट्टे की है, अब वो लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए हम उनके घर में घुसेंगे और चोरी करके वापस आ जाएंगे। कैसा बकवास! ओ इतना अच्छा आइडिया, तुझे बकवास लग रहा है? दूसरों की लड़ाई से फायदा उठाना बहुत बुरी बात होती है भाईजान। अच्छा, पहली बात तो ये कि चोरों के भी कुछ असूल होते हैं। अबे चोरों के असूल नहीं होते, चोरी के असूल होते हैं। दूसरी बात, वो लोग अमन मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। हाँ अबे उन लोगों की यही बात तो मुझे बहुत बुरी लगती है। उन लोगों का प्यार मोहब्बत से रहना तुम्हें बुरा लगता है? हाँ भाईजान, आप बहुत बड़े जल कुकड़े हो। ये देख, ये है अमीर बनने का प्लान। ये अमीर बनने का प्लान है? नहीं, ये तो कांटा है। कौन सी मछली का कांटा है? अबे ये मछली का कांटा नहीं है। फिर किस चीज का कांटा है भाईजान? ये है जाऊ चूहे का कांटा। जाऊ चूहा? जाऊ चूहा है जाऊ। इतने सारे जानवरों का एक ही कांटा? अबे साले ये सारे नाम एक ही जानवर के हैं। अच्छा। हाँ, ये कांटा किसी के घर में भी डाल दो और फिर तमाशा देखो, घर वाले डांस करने लगेंगे। अबे नहीं, आर्मी जंग शुरू हो जाती है। एक कांटा में सुबह डुगडुगी हाउस में डाल के आ चुका हूँ, अब देख कैसी लड़ाई शुरू होती है। भाईजान ये बहुत बुरी बात है। अबे बुरी लड़ाई तो अब शुरू होगी। क्या बात है बाजी, आप ये सुबह ही सुबह टेरेस पे टहल रही हैं? हमें इख्तलाज कल्ब हो रहा है। हैं? इतनी मुश्किल चीज हो रही है आपको? पर हमारा दिल बेहद घबरा रहा है। बीबी चेक किया आपने अपना? हाँ बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल है? अरे ठीक का मतलब नॉर्मल होता है फ्रॉडी है। जी? अरे इतनी देर से हम तुझे दिल घबराने का मामला बता रहे हैं और तू डॉक्टर के पास जाने की बात तक नहीं कर रहा। बाजी अगली लाइन मेरी वही थी। अरे पहले क्यों नहीं पूछा तूने बीवी के गुलाम? अरे बाजी क्या हो गया, आप तो सुबह सुबह लड़ने लगी मुझसे। हमारा किसी से लड़ने का दिल जा रहा है। अरे तो बाजी अब लड़े ना, किसने मना किया? भाईजान से लड़ना आपका पैदाइशी हक है। वो माँ जी के कमरे में माँ जी के पाँव दबा रहे हैं। तो मैं अभी भाईजान को बुला देता हूँ। अरे वो तो ठीक है, मगर हम उनसे लड़ेंगे किस बात पे? अरे भाई तो लड़ने की कोई एक हाँ एक वजह है ना, सुबह से माँ जी के पैर जो दबा रहे हैं वो माकूल वजह है। मुझे देखिए बेगैरत को, सुबह से बेबी डालिंग का सर दबा रहा हूँ मैं। तू तो बेगैरत घटिया जोरू का गुलाम ही बन गया। जी? अरे ठीक है मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए, मगर तू तो उसका गुलाम ही बन के रह गया। लगता है उस सूखी सड़ी भिंडी ने कोई जादू टूना कर दिया तुझ पे। बाजी चल जा, दफा हो जा, जोरू का गुलाम ना हो तो कमबख्त कहीं का। भाईजान जो कांटा तुम उनके घर दबा कर आयो उसका कितना असर हुआ होगा? अबे तू असर की बात कर रहा है? वहाँ पे तो बड़े बड़े असरात की भरमार होगी। अब तक तो वहाँ पे जंग शुरू हो चुकी होगी, वहाँ पे घोड़े दौड़ रहे होंगे, आपस में टैंक लड़ रहे होंगे। दुबुस, दुबुस, दुबुस। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? अबे तुझे नहीं पता, ये कांटा अगर जरा सा भी चलता रहा तो बड़ी बड़ी जंगे भरमा हो जाती है। इतने जोर से दबा दिया, तुझे तमीज नहीं है क्या तुझे? अबे तूने मुझे तुझे कहा साले? सुनोगे तू? अबे तू मेरा साला है, मैंने तेरी बहन से शादी की है। मैंने भी तो तेरी बहन से शादी की है। तू ये साला 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 साला, तू उससे भी बड़ा साला साले। देखा तूने इस तरह से कांटे चुभने से कितनी बड़ी जंग होने जा रही थी हमारे दरमियान? वहां पे तुम्हारे कांटा दबा के आया हूँ, वहां पे अब तक तो कितनी बड़ी जंग हो चुकी होगी। सननेर वाले पुल से बुला के, सननेर वाले पुल से बुला के, हर माही किथे रह गया। अशरफ ये क्या कर रहे हैं आप? शगुफ्ता बेगम, मैं ना पौधों को पंजाबी गाना सुना रहा था। क्या? तो आप पौधों को उर्दू गाना क्यों नहीं सुना रहे? इसलिए कि पौधे पंजाबी हैं ना। यानी पौधों में भी कौमियत पाई जाती है? पौधे पंजाब से आए हैं ना। लगता है आज ये लड़ने के मूड में नहीं। शगुफ्ता तुमने कुछ कहा? जी कहा। क्या? आज से आप हमें बेबी कहेंगे। अस्तगफरुल्लाह, क्यों? क्यों आप नौशीन को बेबी क्यों कहते हैं? शगुफ्ता इसलिए कि उसका नाम बेबी है। आप हमें भी बेबी कहेंगे। क्यों, वजह? इसलिए कि बड्डा सट्टा में ऐसा ही होता है, जो उधर वो इधर। बेबी सबसे छोटी है ना, इसलिए हम उसे बेबी कहते हैं। हम भी आपसे और
माजी से छोटे ही हैं। जी हाँ, आप जिस तरह से बेबी को मुखातिब करते हैं उसी तरह से हमें भी करेंगे। वैसे भी जब हम छोटे थे तो हमारे अब्बा भी हमें बेबी कह के पुकारते। मैं ना बेबी को कभी कभी ना बेबी पुत्र कह के भी मुखातिब करता हूँ। हमें भी आप बेबी पुत्र ही कह के मुखातिब करेंगे। नाना शगुफ्ता, इस तरह तो हमारा निकाह फासक हो जाएगा। बस अशरफ बस, हमारे साथ जो ज्यादती होनी थी हो चुकी, अब हम वट्टा सट्टा के तमाम हुकूक हासिल करके ही दम लेंगे। वट्टा सट्टा के हुकूक? जी हाँ, जो उधर वो इधर, जो इधर वो उधर, आज से आप हमें भी बेबी कहेंगे। छोटा तुम ना कहीं से भी बेबी नहीं लगती हो। अरे हाय, ये शगुफ्ते ने क्या रौला डाल दिया। चलो भाई गोडी कर गोडी। कहाँ भाग रहा है मैं देख के? वो बाजी एक, हाँ वो एक बहुत जरूरी काम याद आ गया था मुझे। तू अपनी बीवी को क्या क्या के मुखातिब करता है? बेबी डार्लिंग। बस ठीक है, तो आज से तो हमें भी बेबी डार्लिंग क्या के मुखातिब करेगा। कैसी बातें कर रही हैं बाजी आप? क्यों, क्या मतलब है डार्लिंग का? प्यारा, प्यारी। तो हम तुझे प्यारे नहीं लगते क्या? नहीं, आप तो हमारी बाजी है ना। तो बाजी प्यारी नहीं होती, सिर्फ बीवी प्यारी होती है क्या? जी। बदतमीज, बेगैरत, जोरू का गुलाम। ओ सूखी सड़ी भिंडी, क्या कर रही है तू यहाँ? भाभी प्लीज, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं व्यू एंजॉय कर रही हूँ। ओ चचनिया की शहजादी ना हो तो। क्या कहा आपने? चचनिया की शहजादी ना हो तो। इट्स ओके भाभी, आपने एटलीस्ट मुझे शहजादी तो कहा ना। पकड़ झाड़ू और घर का कचरा निकाल। मैं आपको ना इस घर से निकाल दूं भाई। हम तुझे कचरा लगते हैं? वेल, आप कचरा खानदान से तो आई हैं। तूने हमारे खानदान को कचरा कहा? हाँ कहा। तो आज से आधा काम तू करेगी और आधा काम हम करेंगे। नो वे। क्या तूने हमें अंग्रेजी में गाली दी? ओ भाई, हुआ क्या है? आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? आपकी इस चहेती बहन ने हमें अंग्रेजी में गाली दी है। नो वे। ना बेबी ना, अंग्रेजी में गाली नहीं देते। नो वे। बेगैरत जन मुरीद घटिया। ओए घटिया इंसान, फ्रॉडी है। तेरी आंखों के सामने तेरी ये बीवी तेरी बहन को गालियां दे रही है और तू बुत बना खड़ा है। नो वे। और भाजी ये नो वे जो है ना, इट्स नॉट अ गाली। नो वे। आज तो फैसला होके रहेगा कि इस घर में हम रहेंगे या ये सूखी सड़ी भिंडी रहेगी। नो वे। ओए नवे नवे की बच्ची। भाई क्या है? अब मेरा गिरेबान तो छोड़े। मैं इसको कहूं मेरी प्यारी शगुफ्ता को छोड़े। मैं नहीं बोलूंगा, आप छोड़े मुझको। मैं तो कैसे नहीं बोलूंगा भाईजान। मैं दूरबीन ले आया, जंग शुरू हो गई होगी क्या? अबे अब तक तो प्लान का पहला पार्ट फुल कामयाब हो गया। मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। अब जाके दूरबीन से देख और सुन किस बात पे लड़ाई हो रही है। भाईजान ये दूरबीन है। अबे तो साले तुझे आवाज वाली दूरबीन लानी चाहिए थी ना। आवाज वाली दूरबीन अभी इजाद ही नहीं हुई भाईजान। अबे तो कौन इजाद करेगा तेरा बाप? भाईजान बाप तक मत पहुंचना, वरना। वरना क्या, मैं भी आपके बाप तक पहुंच जाऊंगा। अबे यार तू तो बिल्कुल अपनी बाजी की तरह गुस्सा करता है। आप भी तो अपनी बहन की तरह दबाने वाली बात करते हो। अच्छा अब चल छोड़, अब तो मिशन का दूसरा पार्ट शुरू होगा। वो क्या भाईजान? वो सब माजी की अदालत में जाएंगे। हम दोनों चोरी के लिए अंदर। शाबाश, बहुत ही कमाल आइडिया है भाईजान। अब तारीफें करना बंद कर और चल। चले मुझे तफसील से बताएगा कि हुआ क्या है। माजी ये हमारी शगुफ्ता अजीब सी हो रही है। माँ जी हमारी तबीयत अजीब हो रही है, हमारा लड़ने मरने का जी जा रहा है। इसलिए लड़ रही थी, लड़ने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। माँ जी कसम खुदा का, कयामत की निशानियां, शगुफ्ता कह रही है मुझे बेबी कहो। जाहिर सी बात है माँ जी, हम भी तो आखिर किसी की बेबी है ना। ठीक है पुत्र जी, आज से मैं तुझे बेबी कहूँगा। माँ जी ये ना इंसाफी है, बेबी मेरा नाम है इनका नहीं। आज से शगुफ्ता का नाम है। वाह वाह जी वाह, मैं आपका इंसाफ समझ गया। बिल्कुल ही बहन जी, आज से हमारी शगुफ्ता सीनियर बेबी और हमारी नौशीन जूनियर बेबी। वाह माँ जी वाह, क्या इंसाफ किया आपने, गली मुक गई। जी नहीं, अभी गल नहीं मुक्की। और कौन सी गल है? माँ जी हम सारा दिन काम करते हैं और ये बेबी फीटर मुंह में लेके बेबी की तरह आराम करती है। एक मिनट भाभी, अपनी जबान संभाल के बात करें, ये माँ जी की अदालत है, आपका महका नहीं है। तू चुप कर बेबी, तुझे और क्या प्रॉब्लम है? माँ जी आज से एक वक्त का खाना हम बनाएंगे और एक वक्त का खाना ये बनाएगी। और एक दिन सौदा सर भाईजान लाएंगे और एक दिन मैं लाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सौदे तो मैं ही लाऊंगा रोज। अरे खामोश हो जाइए, पहले हमारा मसला तो हल होने दीजिए। तेरा मसला हल हो गया बेबी, आज से एक वक्त का खाना तू बनाएगी, एक वक्त का खाना नौशीन बनाएगी। अब ठीक है ना? ठीक है माँ जी, नाश्ता हमने बना लिया, अब लंच ये बनाएगी। चलो भाई नौशीन, लंच की तैयारी करो। माँ जी। हाँ जी। Thank you.
किलो का होगा, रख लो। अबे रख ले, लेकिन देख खामोशी से, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? अबे हम चोर हैं, कोई डाकू थोड़ी है। मैं समझ गया। अच्छा देख, तू नीचे की कार्रवाई संभाल, मैं ऊपर से सामान समेटता हूँ। अबे फिक्र हो जाए भाईजान। खाना खाने के बाद सारे बर्तन अच्छी तरह से धोना, ठीक है? इधर बैठ के खाओ आराम से। मुझे सारा ड्रामा समझ में आ गया है। कौन सा ड्रामा? नीचे किचन में कौन है? ऊपर वाला जाने मुझे क्या पता। भाभी, यानी कि तुम्हारी बाजी ने ये जो फसाद सारा खड़ा किया है ना, उसकी वजह क्या है? क्यों? अरे ऊपर वाला जाने मुझे क्या पता। एक मिनट, ये क्या, जब से आप ऊपर वाला कह रहे हैं, नीचे वाला बंदा भी मेरे साथ ही है, सारा कसूर मेरा थोड़ी है। आप कौन है? मैं खालिद हूँ, नीचे वाला बंदा माजिद है। ओ हाँ, याद आया, यही नाम बताया था उसने। तो फिर आप ऊपर क्या कर रहे हैं? चोरी चोरी चोर 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 एक चोर हमने भी पकड़ा है भाईजान। दुश्मनी अपनी जगह, ये चोर को तो छोड़े। क्यों, आप क्या छोड़े? ये हमारा प्यारा चोर है। छोड़ दे भाईजान, हो सकता है इसने खुद को जैकेट पहनी भी हो। ओ नहीं जी, हम चोर है, दहशतगर्द नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं भाईजान, इसने हो ना हो खुद को जैकेट अंदर जरूर पहनी भी होगी। कसम ले जी, हमारे पास नई बनियान पहनने के पैसे नहीं है। खुद जैकेट कहां से पहनेंगे? बड़ी गलती होगी भाईजान, हम तौबा कर रहे हैं। और तौबा बाद में करी, पहले सीधा होके खुलो, क्लीन ना खराब कर दें। हम आज तो चोरी नहीं करेंगे। अशरफ, ये हमारी नकल उतार रहा है। वो तो मेरी बीवी की नकलें उतारता है। नहीं भाईजान। फिर हम क्यों कर रहा है? मैं तो खालिद भाई की तरह से भी माफी मांग रहा हूँ। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से कमजोरी। अरे कमजोरी नहीं अशरफ, सीना जोरी। हाँ, बात सुने, अभी तो तूने चले आ, मेरे बहुत सारे काम करने हैं। मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, मेरे परदादा की तौबा, आइंदा मैं डाका डालूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। क्यों बे, चोरी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चोरी करता मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ। चोरी तो तुम्हारा बाप भी करेगा। मेरा बाप चोरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरा बाप मर गया है। ओह तो सो सॉरी, लेकिन तू चोरी करेगा? हाँ। चल यार, आखिरी चोरी तो तूने मेरे लिए करनी है जी। हाँ, नौशीन अपने सारे जेवरात अलमारी में रखती है। नहीं, जूतों के डब्बे में रखती है। अब सारे जेवर मुझे चाहिए। अब मजा आएगा, अब नौशीन को पता चलेगा कि बट्टा सट्टा में दुश्मनी मोल लेना कैसा होता है। देखो भाईजान, अपनी शलवारों के नेकों में ना पैसे छुपाते हैं। और बैग में गद्दे के नीचे हैं। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ना डुगडुगी की एक एपिसोड में देखा था। ब्रिलियंट, अब इस न्यू बेबी को पता चलेगा कि बट्टे सट्टे में होता क्या है। यस, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बची है कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है।
माँ जी टीवी का रिमोट किधर है? माँ जी हम लुट गए, हम बर्बाद ही हो गए माँ जी। मैं रिमोट का पूछ रही हूँ। माँ जी मेरी शलवारों के नेफे में से ना सारे नोट निकाल के ले गया वो। और माँ जी जो जेवर मैंने अपने जूतों के डब्बों में रखे थे ना वो भी सारे चोरी हो गए। शाबाश मेरा चोर। और आपके नेफे में से जो पैसे चुराए ना शलवार की वो मेरे चोर ने चुराए हैं। तुम दोनों का ये मेरा चोर क्या लगा रखी है तुम दोनों? माँ जी मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों ने ना दो चोर पकड़े थे। एक मेरा था माँ जी और एक मेरा था। अशरफ ने माँ जी चोर को बताया था कि नौशीन ने जूते के डब्बे में पैसे रखे हैं। और माँ जी खालिद चोर को बताया कि भाईजान अपनी शलवार के नेफों में और बेड के नीचे पैसे छुपाते हैं। क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? माँ जी बटे सटे में ऐसे ही होता है, इसमें ना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया जाता है। जी फोन निकाल और बट को लगा जल्दी। अच्छा माँ जी जल्दी निकाल जल्दी कर। हेलो बट मैं बोल रही हूँ। हाँ भाई वो हमारे घर में ना डाका पड़ गया है, जल्दी से उसको तू रिपोर्ट को लिख। और डाका डालने वाला और कोई नहीं है अशरफ और अस्वर। माँ जी हाँ जी जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।